नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। जी हाँ, ये बीटा सरमेड़ा पथ है। जी हाँ, मैं आपको सदीशोपुर के साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बीटा सरमेड़ा पथ आप देख सकते हैं किस तरह का इस ब्रिज का निर्माण चल रहा है। जी हाँ, इधर से आप बीटा से आएंगे और इधर आप सीधे सरमेड़ा निकल जाएंगे। अभी इसका एक लेन स्टार्ट हो चुका है और दूसरे लेन पे अभी काम चल रहा है। तो समझ सकते हैं कि बिहार का जो प्रगति है वो किस तरह से है। मैं काफ़ी समय के बाद ब्लॉग लेकर के आया, कारण ये था कि मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। जी हाँ, थोड़ा आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम आज गाड़ी लेकर के नहीं आए हैं, क्योंकि आपको पैदल ही सीन दिखाना है। हालांकि हमने इसका 2 से 3 बार हमने इसका जो है वीडियो बनाया है और आपको दिखाया है, लेकिन अब ये जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं इसको अब जो है जोड़ दिया गया है, इसके उस तरफ आप जा सकते हैं। जी हाँ, पहला ब्लॉग में हमने दिखाया था तो आप जो है उसके उस तरफ नहीं जा सकते थे, लेकिन चलेंगे थोड़ा पीछे और वहाँ से आपको ला करके दिखाएंगे जो बीटा सरमेड़ा पथ है इसका निर्माण कैसा चल रहा है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो बिहार का तरक्की देख करके दिल खुश होता है। जी हाँ, बिहार का जो है प्रगति देख करके दिल खुश होता है। और इधर एक लेन का भी आप देख सकते हैं काम जो है चल ही रहा है। अभी आप एक लेन का काम देखिए, इधर चल ही रहा है। तो आने वाले समय में इसको भी जो है पूरा बना लिया जाएगा। जी हाँ, तो फिर ये भी जो लेन है इसको भी खोल दिया जाएगा और इसके बाद आप जो है इस जो रोड है इसका आप जो है आराम से आप जो है लुत्फ उठा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह की चीज़ें हमारी बिहार में होती है। पटना का मरीन ड्राइव हमने आपको दिखाया है। जी हाँ, हमने पाटिल पथ दिखाया है, हमने आपको जो है आरा बक्सर 4 लेन दिखाया है, तो इसको भी दिखाना बनता है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये ब्रिज जो है बनाया जा रहा है। और सामने आपको दिख रहा होगा एक पक्की सड़क दिख रहा होगा। जी हाँ, शायद आपको कैमरे में नहीं दिखाई पड़े लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो जो रास्ता है वो सीधे बीटा से आ रहा है और इससे होते हुए सीधे आप जो है सरमेड़ा निकल जाइएगा। और ये जो है दूसरा लेन, अभी इसका काम चल रहा है और नीचे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, आप नीचे भी देख सकते हैं, नीचे जो ये सर्विस लेन है। जी हाँ, ये सर्विस लेन है, यहाँ से आप जो है सदीशोपुर जा सकते हैं स्टेशन। जी हाँ, और एक अंकल जी है, क्या लगता है अंकल जी ये पथ बनेगा तो कैसा लगेगा आपको बताइए। ये जब बन जाएगा जब ये पथ तो कैसा लगेगा? बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब इस पर मेरा जाना पसंद हो जाएगा। अब कहाँ के रहने वाले हैं, कहीं के रहने वाले? चलिए, तो अंकल जी बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, जो लोग बीटा से आएंगे वो सीधे जो है इस पथ को पकड़ करके सीधे सरमेड़ा जा सकते हैं। पहले यहाँ पर जो है काम जो है वहाँ पर उसको जोड़ा नहीं गया था, नहीं ना अंकल जी, रेलवे लाइन के ऊपर में, और उसको कंप्लीट कर लिया गया है। ऊपर हो गया, क्लियर हो गया। खाली अब ये वाला लेना ना, खाली क्लियर है, खाली ये ढलाएंगे, क्लियर है, खाली पिच करना है, बस। चलिए, तो अंकल जी बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो है ये जो पथ ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। हो गया, खाली ब्लैक टॉप खाली करना है, इसको खाली पिचिंग करना खाली। हाँ, बस। चलिए, हमने आपको दिखा दिया कहाँ से आप इस पुल पे जो है चढ़ेंगे और इसको क्रॉस करेंगे। काफ़ी बेहतर मतलब कि बन रहा है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा बन रहा है। और नीचे भी आपको सर्विस लेन है, जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ से कोई गिर भी सकता है। तो अभी ये काम अभी चल ही रहा है, अभी लगभग इधर आप देख सकते हैं। तो आने वाले समय में ये जो है अब खाली ब्लैक टॉप का काम खाली बचा हुआ है, आप देख सकते हैं खाली ब्लैक टॉप का खाली काम बचा हुआ है। जब ये ब्रिज बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए थोड़ा चलते हैं ब्रिज के उस तरफ और उधर से भी आपको दिखाते हैं ये कैसा बन करके तैयार हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पिचिंग का काम है वो जो है कर लिया गया है। जी हाँ, ये पहला लेन है जिसका पिचिंग का काम हो चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं आपको जो पिचिंग का काम यहाँ पर दिख रहा होगा। तो पहले हम यहीं पर आ करके और यहाँ से चले जाते थे। जी हाँ, क्योंकि इसको पहले यहीं तक कंप्लीट किया गया था और अब जो है आप देख सकते हैं नीचे आपको जो है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन दिख रहा होगा और अब इसको जो है जोड़ दिया गया और इसके उस तरफ सरिसोपुर रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, और ये देखिए अभी एक लेन शुरू हो चुका है, एक लेन का काम अभी चल रहा है जो हमने आपको पीछे दिखाया। तो अभी और इस ब्रिज को हम जो है स्मूथली पार भी कर रहे हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सर्विस लेन बनाया गया है तो काफ़ी ज़बरदस्त ये ब्रिज बन करके तैयार हो चुका है आम जनता के लिए। और बीच बीच में यहाँ पर जो है अगर बारिश के टाइम में अगर पानी पुल पे न लगे उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बन चुका है आपका बीटा सरमेड़ा पथ
और सामने आपको जो है रेलवे लाइन दिख रहा होगा जो कि हावड़ा दिल्ली मेन रेलवे लाइन है। तो बताइए बिहार विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिहार हमेशा विकसित हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और वहाँ का आपको तस्वीर दिखाएंगे। हम ब्रिज को टप करके जो है दूसरे साइड में आ चुके हैं जी, आप देख सकते हैं। अब हम ब्रिज को टप करके दूसरे साइड में आ चुके हैं और इधर भी आप देख सकते हैं अब जो ब्लैक टॉप का काम है, जो पिचिंग का काम है वही बाकी है जी हाँ। तो उसको भी अब जल्द पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद जो बाउंड्री वॉल है आप देख सकते हैं इस तरफ, तो उसका काम बाकी है। तो इस पथ को जो है अब बना लिया जाएगा, हालांकि नवतपुर के साइड से शुरू हो चुका है जैसा कि यहाँ के लोग बताए हैं, तो इसको भी अब जल्द शुरू कर लिया जाएगा। और लगभग पैदल चल के आपका भाई आपको जो है अपडेट दे रहा है तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग प्यार दिखाइएगा और ये देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त आपका बीटा सरमेड़ा पथ जो है बन करके तैयार हो चुका है जी हाँ। अब देख सकते हैं गाड़ियाँ धूल उड़ाती हुई आ रही है, तो ये देख कर अच्छा लगता है कि बहुत जल्द जो है इस ब्रिज पर जो है हम भी राइडिंग करेंगे। हालांकि आज हम गाड़ी लेकर के नहीं आए जी, आज हम गाड़ी लेकर के नहीं आए, पैदल ही आ गए, लेकिन आने वाले टाइम में गाड़ी लेकर के आएंगे तो इसका एक बेहतरीन राइडिंग भी आपको देखने को मिलेगा जी हाँ। और कुछ लोग नेवड़ा दनियावा का भी डिमांड कर रहे हैं कि उसका भी वीडियो बनाइए, उसका भी वीडियो बनाइए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जी हाँ। लेकिन आप देखिए पहले बीटा सरमेड़ा पथ कितना बेहतरीन और कितना अच्छा बन चुका है, देख सकते हैं। अभी आपको जो है यहीं तक काम होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा जी हाँ, अभी यहीं तक काम हुआ है और ये इसका जो है दूसरा वाला लेन है जिसपे अभी गाड़ियाँ नहीं दौड़ रही हैं, तो इसी का काम बाकी है। और उधर भी एक रोड आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा जो कि रेलवे क्रॉसिंग है जी हाँ, रेलवे क्रॉसिंग है। जब ये पथ बन जाएगा तो रेलवे क्रॉसिंग जो है उसको बंद कर दिया जाएगा जी हाँ। आप इसी पथ से जो है उस तरफ जा सकते हैं और उस तरफ से इस तरफ आ सकते हैं जी हाँ। तो एक छोटा सा अपडेट आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने भाई बहनों का ध्यान रखें और अपने ट्रेवल विद दीप सर ऐसे ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें। जय हिंद।